मेरी रेसिपी को देखने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरतीज फूड्स एंड फ्लेवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बूंदी की सब्जी लेके आई हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आपने बूंदी का रायता बहुत खाया होगा, बूंदी की कड़ी भी खाई होगी, लेकिन सब्जी आपने शायद नहीं खाई होगी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बूंदी की सब्जी। बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगती है और आप इसको कभी भी बना के खा लो। अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है या फिर आपको सब्जी खाने का मन नहीं हो तो झटपट 5 मिनट में ये सब्जी तैयार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस सब्जी को बनाना है। बूंदी की सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून राई डालेंगे, अच्छे से तड़कने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई मिर्ची। उसके बाद 2 तेज पत्ता इसमें हम डाल देंगे और 2 खड़ी लाल मिर्च। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे किसा हुआ अदरक 1 टीस्पून। अब हम इसमें मीडियम साइज के प्याज डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 छोटे आकार के टमाटर जिसको हमने चॉप्ड कर लिया था। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे और अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक। नमक डालने से बहुत अच्छी तरह से पक जाता है टमाटर हमारा बहुत जल्दी। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे और 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 1 मिनट हो गए हैं। अब हम 1/2 बॉल पानी में 4 पिंच हींग उसको मिलाकर इसको उसमें घोलकर अच्छी तरह से मिलाकर और हम फिर इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद होता आता है। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, जीरा पाउडर डालूंगी मैं उसमें 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें या तो पाव भाजी मसाला या सब्जी मसाला या मैगी मसाला, कोई भी मसाला जो इसको थोड़ा चटपटा फ्लेवर दे वो मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। अब ऊपर से हम ऐड करेंगे 1.5 कप पानी और अच्छे से सबको मिलाते हुए इसको अच्छे से बॉईल होने देना है। थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और इसको चलाते हुए 1 मिनट तक हमें बॉईल करना है, उसको पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, हमने पहले भी थोड़ा डाला था नमक, बाकी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। अच्छे से चलाएंगे इसको और थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। अब हम बूंदी डाल देंगे, 2 बाउल बूंदी ली मैंने यहाँ पे, उसको हम इसमें डाल के और फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। ज़्यादा हमें बूंदी को नहीं पकाना, नहीं तो ये बहुत ही नरम हो जाती है। इसमें मैं 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर भी डालूंगी थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए। और ये हमारी एकदम बूंदी की सब्जी रेडी हो गई है। इसको इमीडिएटली फ्रेंड्स खा लीजिए तो बहुत अच्छी क्रिस्पी लगती है, नहीं तो ये थोड़ी सी गलने लगती है, जैसे आपको पसंद हो। तो होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी और आपके पास अगर सब्जी नहीं हो तो आप इसको फटाफट बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी ये। थैंक यू सो मच।